नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ ललिता जामवाल। पंजाब सरकार द्वारा बार बार यही दावे किए जाते हैं कि गांवों को भी शहरों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं और बड़े स्तर पर गांवों के लिए बेहतरी के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है कार्य करवाए जा रहे हैं। तो वहीं आज हम बात करेंगे गांव कुंबड़ा की। आपको बता दें कि गांव कुंबड़ा वीआईपी सिटी मोहाली में पड़ता है। सेक्टर 68 और 69 की डिवाइडिंग जो रोड है उसके साथ ही ये गांव पड़ता है। ये मुख्य रास्ता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 2017 में गांव नगर निगम के अधीन आ चुका है। तो आज हम जानेंगे यहाँ पर लोगों की क्या कुछ समस्याएँ हैं और कितने सरकार से नाराज़ और कितने खुश हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गाँव कुंबड़ा में। ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮ ਗਾਉਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਯਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰਾਸਤਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। और यहाँ के लोगों की ये भी मांग है, बड़े लंबे समय से चली आ रही है कि यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाए, क्योंकि रात के समय काफ़ी अंधेरा हो जाता है जिस कारण आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जानेंगे इसके बारे में भी। मैं ये लाइटों बारे ये गल करना चाहता, जो ट्रैफिक लाइटा जो कुंबड़े की जी मेन एंट्री है कुंबड़ा पिंड की, जिमें कि ये डिवाइडिंग रोड से खड़े हैं, जिमें कि सैक्टर 68 सैक्टर 69 बनती हुई रोड से जी पिछले तकरीबन 4 साल तो जी मिनिस्टर तो मंत्री तो पिंड वासियों ने मांग की हुई है। 6/6/2017 की लिखती एप्लीकेशन है तो बलबीर सिंह सिद्धू की मोहर लगी है। सारा कुछ है, ये नहीं कह सकते भी साढ़े ध्यान च नहीं है। इतने जिहड़ियां ट्रैफिक लाइटा हर टाइम ये बनया डर बनया रहा है कि कोई बड़ा हादसा ना वापर जाए। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं तो इस एक्सीडेंट को लेके ये मंग रखी सी, पर लेकिन 4 साल ये मंत्री तो विधायक ने कोई लोगों की मंग पूरी नहीं की, जिस लोगों ने अड्डा बनाने वास्ते भी बी अड्डा साडा बनाया जाए जी, ताकि पब्लिक जी आने जाने वाली सवारियां वो बैठन। तो इतने जिहड़ियां लाइटा ट्रैफिक लाइटा लगनिया चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना वापरे, लोगों की जिहड़ियां कीमती जाना वो ना जाण। पर लेकिन 4 साल तो कोई भी मंग जी मंजूर नहीं की गई, थोड़े सामने दिखा रहा। तो ये जिहड़ियां गल्लां करन वालियां भी असीं जिहड़ी आ तुरंत जिहड़ी आ मंग लोगों की पूरी कर रहे हैं, सानू रिटन च दिओ लिखती दिओ, पर ये नहीं कह सकते लिखती सानू दिया नहीं या उन्हां दे ध्यान च नहीं है। सारा सम बलबीर सिंह सिद्धू की मोहर लगी है, रिकमेंड किया तो कारपोरेशन नू कोई अज तक गल कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये 4 साल से जो लोग हैं मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाए, पर जो है ना तो निगम ना सरकार, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है लगभग लोग जो है उनको ही अपनी जो समस्याओं से अवगत करवाते हैं और उनकी ओर से ये भी कहा भी जाता है कि मांग पूरी होगी, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि 4 साल होने के बावजूद भी जो मामला है टस से मस नहीं हुआ, ना स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं और लगातार यहाँ पर हादसे भी होते हैं और फिर भी कीमती जो जाने लगा ही रहता है। इस समय हम पानी की सप्लाई के बारे में बात करेंगे। गांव में पानी की सप्लाई के लिए आपको बता दें 3 ट्यूबवेल हैं, उसमें से एक खराब है, और जबकि 2 ट्यूबवेल हैं उनमें से एक ट्यूबवेल यहां पर मौजूद है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि दिखा दे ट्यूबवेल। ट्यूबवेल दिखाने के साथ साथ हम आपको यहाँ भी दिखा देंगे किस तरह से जो आवारा पशु है यहाँ घूम रहे हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से आपको बता दें कि यहीं से पानी का जो सप्लाई है वो पूरे घरों में जाती है, पूरे गांव में जाती है। तो और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं। बलविंदर जी क्या कहना चाहते हैं? बलविंदर जी निगम में भी आ चुका है कुंबड़ा गांव, उसके बावजूद भी इस तरह की हालत है गाँव के। असं जरा दोनों मेयर, चाहे कलवान सिंह मेयर होए अकाली दल तो पहला, हुण मेयर होए चाहे अमरजीत जीती, असी दोनों मेयरां नूं कहना चाहते हैं। जिवें असी हुण दिखा के पिछे कम्यूनिटी सेंटर का यही हाल थोड़े सामने, इन्हां नूं देखदा इन्हां नूं सारी जिहड़ी हालत पल पता है। तो इस पिंड दे जिहड़ा करोड़ों रुपया कागजां च खर्चिया होया दिखा रहे हैं भी असी करोड़ों रुपया इस पिंड ते खर्चता, जो खर्चा थोड़े सामने हकीकत है जी असी दस रहे हैं। तो वही हम जानेंगे कि गांव में पानी की सप्लाई कैसी आती है। कुछ हमारे साथ महिलाएं खड़ी हैं बात करने के लिए। मैम क्या कहना चाहते हैं? मैं गुरनाम कौर जी, तो कुंबड़ा पिंड तो ही कहनी है। मैं यही थोड़े सामने दिखाऊंगा कि जिहड़ी पिंड की वाटर सप्लाई है वह बिल्कुल फैल है, क्योंकि पानी आउंदा सीवरेज ओवर हो रही है, पानी ओपन चल रहा, गंदा पानी, बिल्कुल पिंड की सफाई नहीं होंदी। आ थोड़े सामने ही है जिहड़ा आ बोर लगे हुए, इत्थे किन्ने गंदगी के ढेर लगे पे हैं। गंदगी किस तरह की दिक्कत है? पानी की यह दिक्कत है जी, पानी बिल्कुल नहीं, इतने पानी आता। जो पानी आता अद्धा घंटा बड़े मुश्किल से आता तो लोगों पानी भी पूरा नहीं होंगे। कितने टाइम से समस्या आ रही है?
ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। तो आपने देखा कि पानी की जो समस्या है, सप्लाई भी पूरी तरह से नहीं आ रही है और बड़ी दिक्कत है, और वहीं आप ये देख ले बोर की भी बुरी हालत है और आसपास जो है इसके कितनी गंदगी के ढेर है, जिस कारण काफ़ी लोगों में रोष है और उनका यही कहना है कि इस तरह से गाँव को जो बोला जाता है बार बार कि शहरों जैसी सुविधाएँ दे रही है, पर आपको बता दें कि ये शहर में ही पड़ता है, VIP सिटी मोहाली में ही शहर पड़ता है, तो सेक्टर 68 में पड़ता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जिस कारण काफ़ी रोष। कुंबड़ा की डिस्पेंसरी के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि थोड़ी संकरी सी पूरी गली है और ये है जो डिस्पेंसरी है। अब हम चलते हैं डिस्पेंसरी की तरफ, आप देख सकते हैं कि डिस्पेंसरी है ये यहाँ पर और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। इस दौरान हम कह सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग है, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और विशेषकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको किस तरह की दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता होगा, आज हम जानेंगे यहाँ पर किस तरह की समस्याएं जो हैं आ रही हैं। तो ये है डिस्पेंसरी, ये आप देख सकते हैं ये डिस्पेंसरी है। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे। नमस्कार मैम, राष्ट्रीय खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, ये डिस्पेंसरी में हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की जो है दिक्कतें हैं यहाँ पर। मैम, पहली दिक्कत तो यह है कि ये हमारी जो डिस्पेंसरी है ऊपर है ना, फर्स्ट फ्लोर ही होगी ना, तो इस पहली तो ये दिक्कत है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, वो उस एक तो पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती वो ना, तो कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है ना, तो इधर बाथरूम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, प्रॉपर बिजली की सप्लाई चलो अब हो गई है, पानी और बाथरूम और ये ऊपर बिल्डिंग होने के कारण प्रेग्नेंट को जो प्रॉब्लम आती है, कुछ बुजुर्ग वगैरह हमारे पास आते हैं वो चल भी नहीं सकते, किसको डिस्क की प्रॉब्लम होती है जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डिस्पेंसरी में यहाँ पर पानी की और एक वॉशरूम नहीं है यहाँ पर, तो किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैम, और क्या कुछ आप सुधार चाहते हैं यहाँ पर? मैम, पहले तो ये हमारी जो बिल्डिंग है बाहर होनी चाहिए ना, एरिया के बाहर, मतलब कि इस गाँव के किसी खुले मेन है ना, मेन पर हो। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर किसको कोई प्रॉब्लम ना आए ना। हाँ जी, हाँ, इससे पहले तो ये बिल्डिंग ही बननी चाहिए बाहर ना, फिर साथ में जो रूटीन जो यूज़ डेली रूटीन यूज़ है, बाथरूम वगैरह, पानी वगैरह सारा कुछ ऐसे, तो हाँ नहीं चलो जिथे लगता कि सही लगता, जिथे सही लगता कि सानू कि सही कोई सही जगह दिती जाए जिथे बिल्डिंग HVWC बनाया जा सके, सही है ना, मतलब कि। तो एक मैम, फिर से दोबारा से थोड़े थोड़े केसेस आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पे कोई केस कोई इस तरह सा कोरोना का केस अभी तो नहीं आया, अभी तो पहले आए थे, अब नहीं है केस ना, अभी तीन चार महीने हो गए हैं ना, नहीं केस नहीं आया। तो आपने देखा कि यहाँ पर इनकी भी यही मांग है कि इस डिस्पेंसरी को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर जो बेसिक सुविधाएँ हैं पानी की, वॉशरूम की, ये जो है पूरी की जाए। अब हम आपको दिखाते हैं गांव कुंबड़ा में भी एक ऐसी जगह है जहां पर ये पूरा गंदा नाला है, जिसे बनाने की मांग जो है काफ़ी समय से लोग यहां पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यहां पर देखेंगे किस तरह से जो है पूरी गंदगी है, और जब ये बरसात का पानी यहां पर आता है तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर भर जाता है और आस और साइड में भी जो है पानी घरों में जो है वहाँ पे भी चला जाता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है। आप उस साइड देखेंगे, नाले के दूसरी तरफ देखेंगे तो बच्चे हैं छोटे छोटे भी, किस तरह से बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और डेली का यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं, यहाँ पे कई तरह की बीमारियाँ भी हो सकती है। और वहीं हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी है यहाँ से, पर बार बार प्रशासन को कहने पर भी जो है आँख मूंद कर प्रशासन बैठा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है बीमारियाँ हो सकती हैं, पर लगातार प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे गंदगी का ढेर है, पानी इतना गंदा है, नाला है, मच्छर मक्खियाँ और तरह की बीमारियाँ जो है फैल सकती हैं। यहीं पे हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ बुज़ुर्ग भी हैं जो यहाँ पर बैठे रहते हैं, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ पर दिखाएं। ये परिवार भी यहाँ पर ही रहते हैं, तो देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर मंजा वगैरह लगा के यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर भी क्या उनका कुछ कहना है।
बनाया जाए, बीमारियाँ जी फैलन दे पता है, डेंगू बीमारी बहुत चल रहा है, हमारे बुजुर्गों भी बुखार है, वो बच्चा छोटा जा उसको बुखार हो रहा है, होर मैंबरों में भी नहीं चलता बुखार चल रहा है, ये गंदगी मच्छर ये नाला पक्का बनाया जाए, जिदा पिंड बसा जद्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने साल से आप कह रहे हो भी ये बनाया जाए? हमें तो हमारे पहला हमारे बुजुर्ग कहते रहे, हूँ हम भी हमने 25-30 साल हमारे को कहते, मतलब 25-30 साल से जो है नाले की हालत ऐसी है और अभी तक कुछ नहीं हो। कहाँ कहाँ किस किस को मिले हो आप? हम DC को मिले, बाकी होर पॉलिटिक्स वाले भी मिले, कमीशनों भी मिले, मेयर न भी मिले जी। भाई यार पक्का हो जाए बची, बहुत औखा सानू दिल डेंगू मार के होने तो सानू डर बुखार चढ़ते हैं उतरते हैं, बहुत औखा दवाई लेंदे असी तो थक गए बची, बहुत औखा होया वा, हुण थानू छड्ड के कित्थे जाइए। मैं ये कहना चाहता हाँ प्रशासन नू मीडिया राही, तो इस जो गंदे पानी का नाला है तकरीबन यहाँ जे है बातचीत करिए 100-150 परिवार का पानी यहाँ इस नाले के बीच आता होना, तो जिस करके यहाँ बहुत ज़्यादा हुण सरकारां एक पासे करोड़ों रुपए की ऐड दे रहे हैं बीमारी तो बचो या तुसीं आ पिंड दे विचकार देख सकते हैं भी कीड़ी हालत है, जबकि इन्हां नू पिछले 10-15 साल तो मंग डिमांड करते आ रहे हैं 20 साल तो, यह नाला अज तक गंदा नाला जिहड़ा पक्का नहीं होया, ये नाला एक गंदे नाले करके इत्थे DC ने मौका देखिया, ST मोहाली ने मौका देखिया, तहसीलदार ने मौका देखिया, BDO DDPO दे ध्यान च है, सारे अनुशासन प्रशासन के मेरी हाजरी च यह काम कराया सी, JCB लियाण के प्रशासन तो लियाण के कराया सी, पर लेकिन अज तक ये पक्का नहीं होया, जदों के दोनों MC साढ़े पिंड दे पहला 2 MC सी हुण 4 MC भी बन गए, पर लेकिन किसी MC तो इन्हां नूं उम्मीद नहीं रखी है, गेड़े मार मार के लोग परिवार हंभ गया, जिवें तुसीं गली देख सकते हो गली अज तक कच्ची पई है, एक पासे तो पिंडां नूं जिहड़ियां शहर वाली सहूलतां देण की गल कर लें, दूजे पासे जो हकीकत है तुसीं अज तुहाडे चैनल राहीं यह हकीकत पिंड कुंभड़े की दिखाते, जिहड़ी सैक्टर 68 च असीं खड़े हैं जिथे कि अनेकां बीमारियां लगन दा लोकां नूं डर है। तो आपने देखा कि किस तरह से इनकी भी यही मांग है कि जो ये नाला बनवाया जाए, यहाँ से गंदगी साफ हो। अब हम आगे चलेंगे गांव कुंभड़ा में और आगे और क्या समस्या लोगों को कैसी कैसी समस्या है उसके बारे में हम बात करें। अगर बात करें गांव कुंभड़ा में कम्युनिटी सेंटर की, तो एक भी कम्युनिटी सेंटर यहां पर नहीं है, जिस कारण लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको दूर दराज जाना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि ठीक 10 साल पहले जो है अकाली नेता NK शर्मा ने यहां पर नींव पत्थर रखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, पर उसके बावजूद भी उनका भी समय चला गया और कांग्रेस सरकार के भी अब थोड़ा ही समय बचा है, वो भी सरकार जाने वाली, पर फिर भी जो है यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर नहीं बना। जानते हैं बलविंदर जी का क्या कहना है इस बारे में। मैं बलविंदर सिंह कुंभड़ा, प्रधान पंचायती यूनियन जिला मोहाली, तो मैं प्रेस राही मीडिया राही दसना चाहता हाँ जो समय समय दरकारा सरकार चाहे अकाली दल की होए या कांग्रेस की, वो पिंडा शहर वाली सहूलतों की वार बार गल दोहरा रही है, तो हर एक बारी वोटा लोगों शहर वाली सहूलत देने की गल कर रही है, जिसका तुम देख सकते हैं साढ़े सामने NK शर्मे ने जोड़ा नींह पत्थर 15/5/2011 का जोड़ा नींह पत्थर कम्युनिटी सेंटर का रखा सी, जिस अजक आ मैनू कहता बिल्डिंग तक की बननी सी, ये आले दुआले भी पूरा कबाड़ जोड़ा है हूँ असी साफ करके जोड़ा है, फोटो भी खिंचने में औखी हुई भी है, तो इस तरह जेकर वख-वख समस्या दी मैं गल कर लें, जिवें आ जंज घर दी बड़बड़े इश्तहार लाए सी, फोटोआं लाईआं सी, TV चैनलों दे खबरां चलियां भी 50 लाख रुपया खर्च के ये कम्युनिटी सेंटर लोगों को 6 महीने के अंदर दिता जाएगा, जो गरीब लोग पिंड दे जिहड़े बाहर जा रहे हैं जिहड़े कम्युनिटी सेंटर बुक कराते हैं टेंटा दे लखां रुपया खर्चा करते हैं, मैं कहता वो लोगों को सुख सहूलत मिलनी सी गरीबों, जो गरीबों की सुख सहूलत लोगों ने खोली, तो सरकारां जिहड़ियां हैं वो सिर्फ तो सिर्फ कागजी कार्रवाई च इश्तहारां च ते फोटोआं च सिर्फ विकास कर रही है, जेकर हकीकत तौर पर देखा जाए पिंड तौर पर आ तुसी थोड़े सामने जी जिंदी जागती मसाल है, जी 11 साल तो इतना नींह पत्थर भी मैं कहता हूँ असी ये कह सकते हैं भी नींह पत्थर की भी धूप बत्ती करिए भी ये नींह पत्थर जाग नहीं सकता जी। तो आपने देखा कि कम्युनिटी सेंटर फिलहाल यहाँ पे गांव कुंभड़ा की भी जो मांग है उनमें से एक है, और इसके लिए काफ़ी बार जो है सरकारों को भी अपनी बात पहुंचा चुके हैं, पर फिर भी सरकारें जो है टस से मस नहीं है, और स्थिति ये है कि ये नींव पत्थर अभी भी यहाँ ही ऐसे ही रखा है, यहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बना है। तो आपने देखा कि जब हमने गाँव कुंभड़ा का दौरा किया तो किस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किसी किसी मुद्दे के लिए किसी किसी समस्या के लिए लोगों ने 6-6, 7-7, 8-8 साल तक लोग जूझ रहे हैं प्रशासन से, पर प्रशासन जो है वो आंखें मूंदी बैठा है। कहीं आप डिस्पेंसरी की बात कर लो तो डिस्पेंसरी में भी बुरा हाल है, बेसिक जो नीड है लोगों की स्वास्थ्य है, और वो आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि किस तरह से डिस्पेंसरी में सीढ़ियाँ चढ़ के लोगों को जाना पड़ता है, ऊपर दिक्कतों का सामना है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है,
सबसे बुरा हाल जो है वो बुज़ुर्गों का है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी, इसके अलावा जो दूसरे लोग आते हैं उनको भी। वहीं आज बात कह लो कि पानी की सप्लाई का भी यहाँ पर प्रभावित रहती है, जिस कारण दिक्कत है। गलियाँ छोटी हैं, गंदगी का ढेर जो है वहाँ पर जगह जगह पड़ा हुआ है और जो दूसरी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो प्रशासन को यही हम कहेंगे कि इस ओर ध्यान दें और लोगों को निजात दिलाएं। अब हम अगले फिर रुख करेंगे किसी और गांव का, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप देखती रहे राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ ललिता जामवाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।